कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर स्थित टिब्बी मोहल्ला अपर मोहल्ला कालका में गत 17 जुलाई को भारी भूस्खलन से रेल ट्रैक पर सैकड़ों टन पहाड़ी मलबा गिर गया था, जिससे लगभग 15 घंटे तक रेल यातायात पूरी तरह से ठप हो गया था। लेकिन दो सप्ताह बाद भी रेलवे विभाग ट्रैक से पूरी तरह से मलबा नहीं हटा पाया है। टिब्बी मोहल्ला से अपर मोहल्ला तक लगभग 500 मीटर की दूरी तक रेल लाइनों के बीच के स्लीपर तक नजर नहीं आ रहे हैं, केवल रेल लाइन का थोड़ा सा हिस्सा ही नजर आ रहा है। ट्रैक के दोनों ओर पानी की निकासी के लिए बनाए गए ट्रेन भी मलबे के अड्डे पड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, रेल ट्रैक पर मोहल्ला के नालियों का गंदा पानी लगातार बह रहा है, जिससे ट्रेन धंसने का खतरा अभी भी बना हुआ है। कालका से शिमला तक रोजाना लगभग 13 ट्रेनें आती जाती हैं और ऊपर से प्रतिदिन लगातार हो रही भारी बारिश खतरे को और बढ़ा रही है। हालांकि भूस्खलन की रोकथाम के लिए नगर निगम विभाग द्वारा अपर पहाड़ी पर पत्थरों की रिटेनिंग वॉल बनाने का कार्य जारी है, लेकिन अभी तक रेलवे विभाग अपना कार्य पूरी तरह नहीं कर पाया है।